बात करो, रुको रुको, पीछे ले रहा हूँ, पीछे ले रहा हूँ, ले ले वीडियो बना लो, तो ये तो बना दो, खुदूर बना बना। ये देखो गाइस क्या गजब दिख रहा है, और यहाँ साक्षी वीडियो बनाते हुए। तो गाइस अब इधर हम लोग जाके दिखाते हैं वीआईपी कॉटेज। यहाँ पे तीनों हीरोइन लोग फोटो खिंचा रहे हैं गाइस। वेलकम बैक टू माय अनदर फ्रेश व्लॉग। सो दोस्तों स्वागत है एक नए और फ्रेश व्लॉग पे, और सबों को फिर से गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों इतना मौसम इतना सुहाना और इतना गजब का है कि क्या बताएं, मतलब एक ऐसा मौसम जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, और धूप भी निकल रहे तो टैन भी नहीं होगा, और आप लोग मजे ले सकते हैं इस मौसम का। तो मानसून सीजन पहुँच चुका है, और हम लोग एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं जो दोस्तों छत्तीसगढ़ बेस्ट हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, इसका भी नाम जाता है। तो अभी अपन धमतरी में है गाइस, तो धमतरी के नेशनल हाईवे NH 30 पे है। फिर से आप लोगों के लिए एक नया जगह और नया कंटेंट लेके आया हूँ, आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा, आपको ज़रूर मिलवाऊंगा सबसे कौन कौन जा रहा है। और तो दोस्तों जब मौसम ऐसा हो और सुहाना हो और इतना मज़ेदार हो, और सबसे पहली बात तो जबकि मानसून का सीज़न हो, तो घूमने में क्या अलग ही मज़ा आता है। तो इसी के साथ हम लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मतलब हम लोग जैसे नीचे से ऊपर बादल को देखते हैं, हम ऊपर से नीचे देखेंगे। तो बने रहना व्लॉग में, आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार है, बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड्स लोगों के साथ जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो मिलवाता हूँ सबसे, यहाँ पे कौन कौन है। तो यहाँ पे तो ये है उपासना प्रतीक्षा दुर्ग से, और इसको तो जानते हो, हमेशा दिखता है, डेली कस्टमर है अपना हुजूर ब्रो। ये है अपना कैमरा मैन आकाश, और अपना वैभव ब्रो डांसर, ये है साक्षी, और ये है अरुणा। तो चलते हैं, नहीं तो यहीं पे आप लोग स्किप करके चले जाओगे, इसलिए आपको जल्दी से अंदर लेके चल, अंदर लेके नहीं, आपको जल्दी से हिल स्टेशन पहुँचाता हूँ गाइज, लेट्स गो। चश्मा गिरा, लेट्स गो गाइज। Few moments later. मगरी। तो दोस्तों हम लोग अभी मगरी होटल में है, जो कि जिला में है, क्या बोलते हैं, मगरी होटल में। तो यहाँ पे भाई लोग नाश्ता ले रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। तो पार्सल हो चुका है गाइस, अभी अपन चलेंगे, और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर होगा, फिर वहाँ पे घाट चढ़ेंगे, उसके बाद व्यू पॉइंट मिल जाएगा। तो बने रहना ब्लॉग पे, चलते हैं, लेट्स गो। वाह क्रेटा, ये देखे अबे, ये दी तो इतना अच्छा भी हो। ये बात करो, रुको रुको, पीछे ले रहा हूँ, पीछे ले रहा हूँ, ले ले वीडियो बना लो, तो ये तो बना दो, खुदूर बना बना बना। सो गाइस कोई खतरा भी, बहुत ही बड़ा झरना मिला है गाइस। अबे पीछे देखो, गड्ढा में डाल दो, गाड़ी है, देख रहा हूँ, देख सकते हो, बहुत ही प्यारा झरना है। अबे यहाँ फोटो वीडियो भी अच्छा है, बनाते हैं यहाँ, करो देख सकते हो।
साइड में डाल लेता हूँ, बहुत ही बड़ा। सो गाइस, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे ऑटोमेटिक झरना बन जाता है, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मौसम चेंज हो जाता है, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा है। तो मैं केशकाल घाटी का पहला चरण में हूँ, मतलब अपन पहला घाटी ही चढ़े हैं कि हम लोग को नेचुरल वाटरफॉल मिल गया। तो आपको जरूर दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा तो हो नहीं सकता। ये देखो, यहाँ पे पुटू बिन्ने आप आ सकते हैं। तो गाइस, मतलब इतना गजब गजब व्यू भाई यहाँ पे, जो अनएक्सपेक्टेड हर चीज़ दिख जाता है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो नेचुरल वाटरफॉल। लेकिन एक सेकेंड, ओ भैया धोखा, अबे पाइप को नहीं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस क्या गजब दिख रहा है, और यहाँ साक्षी वीडियो बनाते हुए, वाह अभी यहाँ पे आ जाओ मस्त, वाह गजब का दिख रहा है भाई व्यू गाइस, गजब का नेचुरल वाटरफॉल देखने को मिला। ये देखो, ये अमृत धारा जो कि केशकाल में है, वाह ऑसम व्यू। अभी चलते हैं, अभी तो ये ट्रेलर था, अभी आगे और आपको व्यू दिखाऊंगा जो कि बहुत ही गजब गजब का व्यू आएगा। तो बने रहना ब्लॉग पे, बिना देरी के ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। चलो 2000 years later. Finally guys, हम लोग पहुंच चुके हैं टाटा मरी। और 5 मिनट इंतजार करो गाइस, ये पहुंच ही गए लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर। तो गाइस प्रवेश शुल्क आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो कि $10 ना हो करके सिर्फ 10 रुपया है। ये देखो, जूम करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। यहाँ भी पैसे पे 7 लोगों का 70 रुपया बोल रहे हैं भैया, ऐसा है तो पकड़े रहा उसको। तो यहाँ पे भैया, और कितना अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा बता दीजिए। 400 मीटर ना, तो यहाँ पे भैया बता रहे हैं 400 मीटर जाना पड़ेगा। और चलिए आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। तो अभी भी नहा रहे हैं लोग। सो गाइस, यहाँ पे कुछ बॉडी बिल्डर्स लोग दिखे, तो आप लोग सजेस्ट करना कि इनको क्या खाना चाहिए। अल्फा 10 केज का। तो यहाँ पे कुछ मॉल है, और भाई ब्लॉगिंग चल रहा है, ब्लॉगिंग अभी रोक देना था, सब्सक्राइब कर देते चैनल। ये देखो यहाँ पे हर्बल गार्डन, यहाँ पे हर्बल बिरबल का गार्डन है। और अरे वाह, तो गाइस यहाँ पे कुछ जैसे ही अपन घुसने वाले थे कि किसी ने रोक दिया, मतलब व्यू ने। ये देखो अबे यहाँ वो कर, अरे भाई गजब दिख रहा है यार। अबे यहाँ झोपड़ी में मस्त फोटो आता ना, ये देखो क्या क्या देखने मिलेगा व्यू पॉइंट। ये देखो गाइस, आप लोग देखो, तुम बादल नहीं है। और आपको थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। तो गाइस फाइनली हम लोग ये केशकाल टाटा मरी पहुँच चुके हैं, जो कि इतने इंतज़ार के बाद, मतलब इतना लंबा और इतना 3 घंटा का ट्रैवल होने के बाद हम लोग केशकाल टाटा मरी पहुँच चुके हैं। लगभग 170-180 किलोमीटर पड़ा हम लोग आने में। तो हम लोग यहाँ कार पार करते हैं, फिर लेट्स गो गाइस। यहाँ का ये बात मज़ा आया कि मतलब 10 रुपये में 100 करोड़ों वाला नज़ारा देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग चार्ज भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब सामने हम लोग जाएंगे, वो है देखो, वो सामने से एंट्रेंस, यहाँ कैफ़े है, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे बाइक और 2-व्हीलर 4-व्हीलर का बिल्कुल फ्री है, और अगर साइकिल में आते हो तो, अगर ज़्यादा पैसा है तो 10-20 दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। तो चलते हैं जल्दी से, चलो यार चलो। लॉक हो गया, तो यहाँ पे अपन कार लॉक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो, आपको अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा तो गाड़ी में नेटवर्क भी अवेलेबल है, नेटवर्क, वाईफाई, 100% बैटरी, देख रहे हो। लोगों को दिखाता हूँ, ये टाटा मरी का एंट्रेंस है। ये देखो यहाँ का रिस्ट्रिक्शंस देख लो, और ये हरकत आप बिल्कुल भी मत करना। तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। गाइस मेरे सामने, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई स्वर्ग में आ चुका हूँ। मतलब तुम जिंदा रहते हुए भी अगर स्वर्ग को देखना है ना, तो ये टाटा मरी केशकाल ज़रूर आए। तो आपको दिखाते हैं, बस काउंट करो 10 से 5 तक, 3, 2, 1। ये देखो यहाँ का व्यू, ये कई मस्त रे, एक नंबर यार। ये देखो
यहाँ पे फोटो खिंचाते हुए गाइस, क्या मस्त व्यू आ रहा है। ये देखो गाइस ये लोग अभी आ रहे हैं, कहाँ कहाँ घूमते हुए, लगता है व्लॉगिंग का पूरा एपिसोड बनाना है। नहीं ऐसी देख सो गाइस बहुत जोर से भूख लगा, हम लोग सुबह से कुछ खा के नहीं निकले हैं, तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं। ये देखो हम लोग के लिए रेडीमेड यहाँ पे पूरे ढाबा की तरह, क्या मन लगता है क्या क्या लाई है रे, वाओ ये देखो टेस्टी टेस्टी सौ दो सौ नहीं पूरे। ये देखो गाइस हो गया, वाह अकेले निकल लिया अपना हिस्सा लेके। तो अभी नाश्ता करते हैं गाइस, उसके बाद हम आगे का व्यू दिखाएंगे, ठीक है चलो निकालो भी जल्दी। मैंने कभी ये चटनी देखा जो जिसमें लाल और नारियल चटनी बोल रहा था, इसमें दही में आप नारियल चटनी है। दही अरे ना कैसा लगा समोसा? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपोजिट में ये एकदम गंदा है, एकदम गंदा। ये देखो मतलब गोल गोल बड़ा को देख के ही बोल रहा था गंदा होगा, पूरा बेसन बेसन लग रहा है समोसा। अच्छा है तो अपन इसी से काम चला लेंगे। यहाँ पे तीनों ब्लू हाउस के कैप्टन लग रहे हैं, ब्लू 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 देखना तेरा मस्त ब्लू ब्लू। तो मैं ग्रीन हाउस में था, स्कूल में था और मैं रेड में, और ये था ग्रीन में थी। मैं रेड रेड सबसे जीतता था, क्या बोलती है। तो गाइस यहाँ देखते ही देखते बंदरों का आतंक, ए ले सीने के सीने के तो बोल रहा हूँ। ये देखो गाइस इसको समोसा दिए, लेकिन ये बंदर खाने के मूड में नहीं। तो गाइस अब इधर हम लोग जाके दिखाते हैं VIP कॉटेज। तो देखो गाइस क्या गजब का यहाँ व्यू है, शायद उन लोग आगे गए, चलते हैं। ये देखो गाइस क्या गजब है यहाँ, कितना गजब लग रहा है। ये देखो गाइस बादल पूरा पहाड़ को छूते हुए, वाओ। तो कैसा लग रहा है व्यू बताओ यहाँ को, यहाँ का आपको जन्नत में आ गई टाइप लग रहा है, स्वर्ग जैसे ना एकदम। देखो तो हाँ बादल है एकदम इतना मस्त, वाओ। ये देखो गाइस व्यू यहाँ का इतना औसम, मतलब ऐसा लग रहा है कि धरती पे स्वर्ग आ चुका है। पे गाइस लोग फोटो खिंचाएंगे बोल रहे हैं, चलो चलो गाइस फोटो खिंचाते हैं, यहाँ फोटो खिंचाएंगे बोल रहे हैं, ग्रुप फोटो तो बनता है। यहाँ पे तीनों हीरोइन लोग फोटो खिंचा रहे हैं गाइस, अपना ग्रुप का ये बंदा कभी मतलब कैमरा फोटो खिंचाने के इतना चार्ज लेते हैं कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पहली बार या फ्री में आप लोग फोटो खिंचा सकते हो, तो अवसर प्राप्त कौन कौन करना चाहता है, जा रहे साक्षी। ये देखो इतने चाहने वाले हैं, ये कौन है छोटी सी, जाओ रे जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ। तो गाइस ये देखो यहाँ पे बगल में ढाबा है और इधर कुछ गार्डनिंग टाइप का व्यू, नागपुरी वीडियो सॉन्ग का शूट हो रहा है, कोरियोग्राफर नटरी। चलो गाइस अभी हम बहुत थक गए, यहाँ पे बहुत सारा वीडियो रील सब बनाए, आप लोग ने देखा होगा पहले क्लिप में कि इतना सारा वीडियोस बनाए, यहाँ पे हालत ख़राब हो गया, थक चुके हैं। अब यहाँ से जाने की पारी आ चुकी है, क्योंकि लगभग अभी 5 बज चुके हैं और हम लोग को
इस क्षेत्र से निकलना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा यहाँ पे। हम मतलब ऐसे फ्रेंड्स जब गेट टुगेदर करते हैं तो कितना मज़ा आता है, कितना मस्ती करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब जाएंगे, बहुत हुआ व्लॉगिंग, तो अब एंड करने का वक्त आ चुका। तो गाइस यहाँ पे एक और एक जस्ट बगल में खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत कि तुम आसानी से इसके काबू में आ सकते हो। तो वो हम सेकंड पार्ट में दिखाएंगे, तो उतना तक वेट करना होगा, वो भी ड्रोन शॉट और गोप्रो के साथ दिखाएंगे। तो ठीक है, अब हम बाय करते हैं गाइस। चलो इतना तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे नए जगह और नए किस्से के साथ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं, चलो बाय बाय करो ब्यूटीफुल। ए बाय करो, ए अरुणा बाय बाय बाय, चलो बाय करो पंडरू, बाय मोटू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग में। ये लोगों का मस्ती खत्म नहीं हो रहा। चलो पानी वानी पीते हैं, टाटा।